हेलो मनीष जी सर, गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून, वेलकम बैक टू क्लैपट्रैप। एक बार फिर से आपका स्वागत है। लुकिंग वेरी स्मार्ट इन दिस टी शर्ट। थैंक यू सर। ओके, सो नाउ स्टूडियो हैज बिकम अ ब्रांड, राइट? एंड यू आर कैरिंग इट ऑन योर चेस्ट। यस, ऑन माय शोल्डर्स आल्सो। ओके, विद लॉट ऑफ प्राइड एंड ऑनर, राइट? ओके, कैन यू टर्न अराउंड? ओह, दैट्स नाइस। दैट्स आवर वेबसाइट mstudiofurnitures.com। Very good. Say no to plastic. I'm not in favor of using plastic bottles. Okay, but we are in favor of using metal because metal is safe and eco-friendly. यही हम बात कर रहे थे कि you can use metal. Metal is recyclable. It can be reused. It can be repolished also, right? It can be repolished. Right? You can change the tone. मतलब ऐसा हो सकता है कि आप gold finish से इसको chrome में करा लें over the period of time, या फिर chrome से करा सकते हैं, but costing बहुत आएगी क्योंकि फिर से वापस फैक्ट्री जाएगा, पूरा कोरा करना पड़ेगा, फिर दोबारा से उसके ऊपर सारा काम होगा। ओह, ओके, कॉस्टिंग इफेक्ट है। ठीक है, आपने एक सवाल करा था कि मनीष यार, हम ग्रेडिंग की बात करते हैं तो कैसे इसको हम आइडेंटिफाई करें। तो आपको सर मैं दिखाना चाहता हूँ कि ये जो स्टील हमने यूज करा हुआ है, ये हमारा एक कंपनी काफी पॉपुलर है, जिंदल स्टील करके, जिंदल स्टेनलेस स्टील, ग्रेड नंबर 304। ओके, तो ये ऑथेंटिकेशन है इसकी कि ये जो मैं बोल रहा हूँ, ये मैं हवा में बात नहीं कर रहा, बट जेन्युइन काम कर रहा हूँ। ये फ्रेम कभी जिंदगी में काले नहीं पड़ेंगे। ऑलराइट, ठीक, कभी काले नहीं पड़ेंगे। ये फ्रेम अभी तैयार हो रहा है। अगर आप इसका बेस देखना चाहते हैं तो इसको हमने हाफ मून बेस का नाम दिया हुआ है। अगर आप देखेंगे तो इसका नाम हमने हाफ मून बेस का नाम दिया हुआ है। अभी इसके अंदर हमारे को मार्बल के ऊपर प्लानिंग करनी है, इसके ऊपर हमारे को चेयर्स के ऊपर प्लानिंग करनी है। पर आपने जितने भी अभी तक मैंने आपको फ्रेम दिखाए हैं वो सब इसी क्वालिटी के अंदर हैं। ठीक है मनीष जी, एक चीज है जो यहाँ आई थिंक आपसे हम पूछना चाहेंगे इस बारे में जी, कि मान लीजिए एक बेस हमने फिक्स कर दिया, फॉर एग्जांपल हाइपोथेटिकली दिस बेस, ये बेस कितने का है? सिर्फ बेस की अगर बात करें विदाउट दिस सर, ये बेस मान के चलिए कि अप्रोक्सीमेटली 65,000 का होगा। ओके, अब हम एक अला कार्टा मेन्यू देते हैं हमारे व्यूअर्स को जी। अगर इसके ऊपर आप कॉम्पोजिट ले जाएंगे तो क्या प्राइस हो जाएगा? 60+ सर। अगर इसके ऊपर आप कॉम्पोजिट लेके जाओगे तो 6x3 का अगर हम इसमें नॉर्मल स्टेप मोल्डिंग का पत्थर रखते हैं तो अप्रोक्सीमेटली 18 फुट हो गया। 18 फुट को अगर आप कॉम्पोजिट के अंदर, मैं आई एम टॉकिंग अबाउट कॉम्पोजिट मार्बल, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कॉम्पोजिट ओनिक्स। करेक्ट करेक्ट, दे आर डिफरेंट थिंग। तो अगर हम बात करते हैं कर लेते हैं, इनफैक्ट आप कैलकुलेट करिए, ये हम बता दें कि ये क्या है, कॉम्पोजिट ओनिक्स, ओनिक्स सिंथेटिक ओनिक्स, और ये सिंथेटिक ओनिक्स से अगर इसको हम बाद में बताएंगे, आप बता रहे हैं पहले, सबसे पहले अगर सिर्फ आप प्लेन कॉम्पोजिट विदाउट 13,500 रुपये का पत्थर लगेगा। ओके, 60+13,000 रुपीज विल बी द कॉस्ट विद अ बेसिक बेसिक। तो ये 78,500 का बेस इंक्लूडिंग मार्बल आपका तैयार हो जाता है विदाउट चेयर्स, विदाउट चेयर्स। ओके, now we go to the next level, composite marble. Composite marble will be little more and then onyx will be even extra, agate will cost more, selenite ka jo top hoga aur ye sab value badhti chali aayegi. ye sir composite marble hai. acha, ye composite marble hai, ye chura patthar hai, this is the last light, sabse kam dam ka patthar hai, lowest hai range, lowest range ka lekin hot selling hai. okay, theek hai, but iski ye brittle nahi hota na, strength mein to proper hai, ye strength mein to proper hai, bas farak ye hai ki ye jitne marzi patthar le lo sab ek jaise dikhenge. right, jo natural patthar hote hain unki grain lines ka variation aapko hamesha milega. theek hai, lekin jo तरीके के आर्टिफिशियल पत्थर होंगे आपको हमेशा एक जैसे ही मिलेंगे। काफी हद तक कॉम्पोजिट में भी आपको मिल जाता है क्योंकि अभी एक तरह से देखा जाए तो काफी नेचुरल बना दिए जाते हैं, बहुत सुंदर रहता है, बहुत। और जो रियल ओनिक्स है, हाँ, वो आई थिंक इज द मोस्ट ब्यूटीफुल टॉप। थर्ड थिंग, आपने बताया कि ओनिक्स के अलग अलग शेड्स होंगे, ओनिक्स भी अलग अलग वैरायटी में आते हैं, ओनिक्स अलग अलग ग्रेड आते हैं। बिल्कुल ठीक सर, ओनिक्स अलग अलग, रवि वैरायटी दी ओनिक्स की, मैं आपको दिखा भी देता हूँ, रखे भी हुए। जब तक वो आता है तब तक हम बात कर रहे थे कि ऑनिक्स के बहुत सारे शेड्स आते हैं, ब्लू है, पिंक है, हनी ऑनिक्स है, वाइट है, इनमें भी ग्रेड्स आते हैं, ग्रीन ग्रेड, बी ग्रेड है, बहुत सारे हैं, इनके भी ग्रेड होते हैं, बे ग्रेड, ए ग्रेड, अच्छी क्वालिटी में सॉर्टेड ये सब बने ऑनिक्स होते हैं, राइट? ये ऑनिक्स वाइट हो गया, ये ऑनिक्स क्रीम हो गया, ये ब्लू ऑनिक्स हो गया, ये ग्रीन ओनिक्स हो गया। ये तो मतलब आप जो क्लाइंट हमें बोलेगा लगा के देने के लिए हम वो सारे विकल्प दे सकते हैं क्लाइंट को। ठीक है, डन। तो हम लोग बात कर रहे थे कि जिस तरह से आप टॉप्स को चेंज करते जाएंगे उस हिसाब से उनकी वैल्यू एडिशन होती जाएगी। हाँ जी। फिर आप एनएसएल में चले जाएं या फिर माइकल एंजेलो लीजिए या फिर आप इटालियन मार्बल ले लें, पोर्चुगल मार्बल ले लें, कॉस्ट बढ़ जाएगी। सब अवेलेबल है सर, ये सब अवेलेबल है, ये तो कॉस्टिंग के ऊपर है, जैसे जैसे आप ऊपर जाते रहोगे रेट बढ़ता जाएगा। ठीक, इसके अंदर बट जो घरों में हमारे आपके जो चलता है वो जनरली इसी टाइप का पत्थर चलता है, जो लोगों को पसंद भी है, बजट फ्रेंडली भी है और यूजेज फ्रेंडली भी है। ऑलराइट, डन। अब हम क्या देखेंगे सर? एक हाईलाइटर और दिखाना है। अच्छा, वो हाईलाइटर हमने पहले भी दिखाया हुआ है,
लेकिन वी थॉट कि एक बारी और दिखा दें क्योंकि UFO इन केस अगर आपको याद हो इसमें भी मेटल है ना? इसमें भी मेटल है ओके ये UFO डाइनिंग टेबल हमने तैयार करा डबल प्लाई चेयर के साथ 6x3.5 का पत्थर है एंड लाइक कॉम्बिनेशन जो बना रखा है हमने ब्लू वेलवेट एंड फ्रंट लेदराइट ये ऑसम कॉम्बिनेशन है सर मैंने ये 3-4-5 सेट अभी तक निकाल दिए हैं किसी ने मेरे से कलर चेंज भी नहीं करवाया एक्चुअली दिस इज वन ऑफ द फाइनेस्ट कॉम्बिनेशंस फाइनेस्ट नीट कॉम्बिनेशन बहुत बढ़िया कॉम्बिनेशन एंड यू रिमेंबर लास्ट टाइम वी वर टॉकिंग अबाउट इट कि लाइट कितना बाउंस करता है बिकॉज़ ऑफ वाइट पैटर्न राइट 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 ओके बहुत ये वही है इवन अगर आप चेयरों भी देखोगे ना चेयरों में भी हमने रिंग डिजाइन डाला हुआ है पूरा ठीक है नॉट लाइक अ रेगुलर स्ट्रेट लाइन चेयर है रेगुलर चेयर के रखा है बहुत सुंदर डिजाइन है मुझे पता पर्सनली बहुत पसंद है ये पैटर्न और जैसा आपने बताया कि क्या ये कस्टमाइजेशन हो सकता है तो हाँ ये भी कस्टमाइजेशन हो सकता है अकॉर्डिंग टू कॉस्ट फिलहाल ये डिस्काउंट करके ये वाला सेट हम जो दे रहे हैं 1,40,000 रुपये का UFO दे रहे हैं ओके हाँ जी सेम प्राइस ही है जो हमने हैदराबाद में या कहीं दिया था हाँ जी हमने भोपाल हमने भोपाल में दिया था हमने शोलापुर में दिया हुआ है सेम प्राइस के अंदर ही हमने दिया हुआ है ये वाला डन एंड हमने इसको ऑनलाइन भी करा हुआ है ऑलराइट मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन नाउ कुछ सेंटर टेबल्स हैं हमारे पास जी जो मेटल से रिलेटेड है वो चेक कर लेते हैं सर सेंटर टेबल जो हमारे पास मेटल से रिलेटेड है आजकल जो एक नया ट्रेंड आ गया है वो ट्रेंड आ गया नेस्टिंग सेंटर टेबल्स कि एक के नीचे एक सेंटर टेबल चली जाए और हमारा जो प्रोडक्ट है वो यूज भी हो जाए कभी गेस्ट ज़्यादा आ गए हैं तो एक्सपेंड भी हो जाए ठीक है गेस्ट कम है तो जगह को हम कर सकें ड्रॉअर सिस्टम के साथ हमने दिया हुआ है ऊपर हमने पत्थर लगाया हुआ है ये कॉम्पोजिट मार्बल है ये इम्पोर्टेड सेंटर टेबल्स हैं इनमें किसी तरह की कस्टमाइजेशन नहीं है पर अगर आप मेरे से स्टॉक पूछेंगे तो स्टॉक इसका अवेलेबल है और ये हम इस समय डिस्काउंट करके सेट ऑफ टू दे रहे हैं 42,000 का ऑलराइट ठीक है सेट ऑफ टू ऑलराइट विद स्टील फ्रेम डन गोल्ड फिनिश में ये किसी और फिनिश में है हमारे पास नहीं जो मैं आपको दिखा रहा हूँ आपको वही सेम पीस फ्रेश मिलेगा पर इसके अंदर किसी तरह की कस्टमाइजेशन नहीं है क्योंकि ये इम्पोर्टेड प्रोडक्ट्स हैं ठीक है मनीष जी बस इसका एक बार मुझे मेजरमेंट बता दें सर ऊपर का जो टॉप है वो 30x30 का है नीचे का जो टॉप है वो 28x28 का ऑलराइट डन मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन नाउ एक इन्फॉर्मेशन शेयर कर ले हमारे व्यूअर से इससे पहले कि हम नेक्स्ट यूनिट पे जाएं जी मोस्टली फर्नीचर यूनिट्स जो हैं सोफाज जो हैं स्टैटिक फर्नीचर यूनिट्स में सोफाज हैं जो हमेशा परमानेंट रहते हैं सबसे ज़्यादा पॉपुलर जो है वो है स्ट्रेट लाइन सोफ़ाज स्ट्रेट लाइन सोफ़ा जब भी ले रहे हैं तो आप कोशिश करें कि रेक्टेंगुलर ना लेके कुछ इस तरह की सर्कुलर टेबल लें ये एक इंटरेस्टिंग पैटर्न क्रिएट करते हैं सर सर्कुलर टेबल है इसकी एक अच्छी बात मैं आपको बता देता हूँ जी बताइए कि सर्कुलर टेबल तो है ही है लेकिन जनरली क्या होता है कि एक दराज मिलता है अपन ने यहाँ पे दो दराज दे दिए अच्छा ओके तो दोनों तरफ से इस्तेमाल हो सकता है उस तरफ का अगर कोई व्यक्ति बैठा हुआ है वो यहाँ का ड्रॉअर इस्तेमाल कर सकता है इस तरफ कोई बैठा हुआ है तो यहाँ का ड्रॉअर इस्तेमाल कर सकता है अच्छा सर्कुलर क्या यूज होता है इनका इन स्पेसेस का लोग सर आप इसको इसके अंदर आप जो भी सैनिटरी टेबल से रिलेटेड प्रोडक्ट हैं कोस्टर्स हो गए या कुछ आपको एक्सेसरीज रखनी है वो आप इसके अंदर इसको रख सकते हो मैगजीन आई कैन से नो आई डोंट नो आई मीन वी डोंट आई मीन वी डोंट यूज स्टोरेज वाला इसमें जनरली कोस्टर्स ही यूज करे जाते हैं या थोड़ा सा इसके नैपकिन वगैरह कुछ रख लिए वो प्रोडक्ट यूज करा जाता है अगेन स्टील फ्रेम है क्योंकि आज का जो वीडियो है वो स्टील फ्रेम के ऊपर ही हम कर रहे हैं कि कैसे एक स्टील फ्रेम की डिमांड भी आ गई है और कितना इम्पोर्टेंट हो गया है एक घर के लिए इसको यूज करने के लिए जो इसको एक लग्जरी लेवल पे ले जाए तो वो आप देख ही रहे इवन मेरे पीछे जो सोफा रखा हुआ है उसके अंदर भी आप देखेंगे तो स्टील का मैंने काम करा हुआ है पैर स्टील के लगाए हुए हैं बहुत ही बैलेंस तरीके से यूज किया है ना बहुत रैशनल तरीके से इसमें रोज गोल्ड के लेग्स दिए हुए हैं बिल्कुल ठीक और अगेन सफारी सोफा है हम सब जानते हैं इट्स अ हॉट सेलिंग सोफा वी फॉरगॉट टू मेंशन द प्राइस सॉरी हाउ मच इज दिस सर ये 38,000 का सेट ऑफ टू दे रहे हैं आफ्टर डिस्काउंट फॉर क्लैप्टर फैमिली ओके ठीक है यू वर टॉकिंग अबाउट दिस हां तो हम लोग बात कर रहे थे कि सफारी सोफा है कंफर्टेबल सोफा है ये सोफा शायद हम पिछले 4 साल से बेच रहे हैं और ये कभी ना डिसकंटिन्यू होने वाला मॉडल है क्योंकि हमेशा बिकता है और हमेशा इसकी कॉलिंग्स हमेशा हमारे को मिलती है इसके अंदर ठीक है हाउ मच इज दिस सर 7 सीटर सिर्फ 90,000 रुपए का है आज का नंबर ही 9 है अच्छा 7:9 790 हो गया आपका हाँ जी 90,000 इसमें भी मेटल पॉपअप है यहाँ पे जी ये देखें वाओ दिस इज वेरी नाइस वेरी एलिगेंट वेरी क्लासिक थैंक यू सो मच सर आप ऐसे अप्रिशिएट करते हो ना तो मुझे लगता है कि मैं और मेहनत करूं नहीं आई मीन आई एम नोबडी यू आर द मास्टर ऑफ इट मैं तो स्टूडेंट ही हूं जी सर बट दिस इज वेरी नाइस मुझे बहुत अच्छा लगा ये थैंक यू सर ग्रिल नेस्टिंग टेबल है अगेन सेट ऑफ टू है
जी, जिनको अगर आपने नोटिस करा हो तो इस टाइप के कॉन्सोल्स भी आते हैं जी, और कुछ सैनिट टेबल्स भी आती हैं, लेकिन नेस्टिंग टेबल अभी तक नहीं लेके आए थे। बिल्कुल, तो हम सेट ऑफ टू नेस्टिंग टेबल ग्रिल वाली लेके आ गए। बहुत सुंदर सेंटर टेबल है, ऊपर जो है वो इम्पोर्टेड मार्बल लगाया हुआ है। कस्टमाइजेशन जरूर इसके अंदर अवेलेबल नहीं है, पर हम जो ये सेट बेच रहे हैं वी आर डूइंग वेरी गुड विद दिस। जनरली ये 48,000 का सेट ऑफ टू है, लेकिन अभी हम डिस्काउंट करके ये 38,000 का हम सेट ऑफ टू दे रहे हैं। ओके, ये वाला ठीक है। ऑल राइट, इसका बस मुझे एक डाया बता दीजिए, क्योंकि इसमें कस्टमाइजेशन नहीं होता, तो अप्रॉक्सीमेटली इसका 3-3.5 फीट के आसपास। नहीं नहीं, ये इतना बड़ा नहीं है, थोड़ा छोटा है, मैं आपको बता देता हूँ इसका डाया। और मीन टाइम जब तक हम इसका मेजरमेंट लेंगे, एक चीज़ और बता दें, इसमें लोगों को ये अप्रिहेंशन होता है कि स्टोन के और मेटल के बीच में स्पेस क्रिएट होता है, वहाँ पे फूड लॉजिंग होता है, डस्ट कलेक्शन होता है, लेकिन इतने स्पेस दिया हुआ है वो उसमें कुछ लॉजिंग होगा ही नहीं, बिल्कुल नीचे गिर जाएगा। राइट, वेरी इंटरेस्टिंग टेबल आएगा। मेजरमेंट की अगर बात करें तो ऊपर का जो टॉप है वो 32 इंचेस का है, और नीचे वाला जो है 24 इंचेस का है। एंड दिस इज अवेलेबल फॉर 38,000 रुपीज़। 38,000 के अंदर सेट ऑफ टू अवेलेबल है, एक्सक्लूसिव एट एम स्टूडियो ओनली। ऑलराइट, डन। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन नाउ, एंड वाओ, दिस इज वेरी वेरी ग्रैंड। हालांकि इसके कई सारे चीपर वर्जन भी मार्केट में अवेलेबल होते हैं, बट लुक एट द काइंड ऑफ फिनिश, राइट, बहुत प्यारा पीस है ये सर। ये मैं वैसे बताना चाहता हूँ, ये पूरा सेट जो है जिसके अंदर एक 3 सीटर, एक 2 सीटर, 2 हाई विंग चेयर्स और एक सेंटर टेबल, ये पूरा कॉम्बिनेशन हम 1,80,000 के अंदर दे रहे हैं। ओके, यू हैव ऑलरेडी शेल्ड द बॉम्ब? यस, आई हैव डन इन द बिगिनिंग। बिल्कुल सर, मैंने वो काम कर दिया कि मैं रिपीट कर रहा हूँ, 3 सीटर, 2 सीटर प्लस 2 सीटर प्लस 2 हाई विंग चेयर्स प्लस सेंटर टेबल 1,80,000 रुपीज। ओके ठीक है, 1,80,000 रुपीज। एंड द सेंटर टेबल, ये बहुत फेमस ब्रांड की सेंटर टेबल है, मैं नाम नहीं ले सकता, हमने उसी का ही ये वर्जन बनाया है। सेंटर टेबल विद 4 ड्रॉर्स, 2 ड्रॉर यहाँ पे हैं, 2 ड्रॉर यहाँ पर हैं। वेरी पॉपुलर, वेरी एक्सक्लूसिव सेंटर टेबल। किसी को अगर इंडिविजुअल चाहिए तो वो भी मिल सकती है। इंडिविजुअल में भी मैं आपको इनका रेट बताऊंगा कितने का है, पर कॉम्बो के अंदर जो मैंने सेटअप बना रखा है, इज एक्चुअली डूइंग वेरी गुड सर। फैंटास्टिक, आपका फीडबैक चाहिए, मुझे ऑनेस्ट फीडबैक चाहिए। मैं हर बार हमने 2 चीज़ें कही थी, तो अगेन देर आर 2 थिंग्स दैट आई हैव नोटिस हियर। जी, एक तो ये है कि दिस डिज़ाइन, एज वी हैव बीन नोटिसिंग दिस एट कपल ऑफ प्लेसेस, तो सबसे पहले ज़रूरी होता है, एक वीडियो में हमने रिसेंटली बात की थी कि हमको एज ए रिस्पॉन्सिबल प्लेटफॉर्म, ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम जब भी कोई यूनिट दिखाएं तो उसको क्लोजली दिखाएं कि उसमें क्या उसके माइनस हैं, क्या उसके प्लस हैं। तो इसको इतना क्लोजली इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि इसका वर्कमैनशिप बहुत अच्छा है, प्योर स्ट्रेट लाइन कंफर्टेबल फैब्रिक है ये, और देर इज नो फ्लॉ एट ऑल, मतलब इसकी स्टिचिंग बहुत अच्छी है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। और मनीष जी, ये थोड़ा सा लग्जरी सेगमेंट में है, अगेन डेप्थ बहुत ज़्यादा है, लेंथ भी इसकी अच्छी खासी है, वेरी कंफर्टेबल, वेरी रिलैक्सिंग, और पीछे थैंक यू फॉर डूइंग दैट, पीछे आपने जो है स्क्रू लगाए हैं जी। लॉट ऑफ पीपल इकोनोमाइज इट, वो इसकी कॉस्ट कम करने के लिए स्क्रू नहीं लगाते हैं। आई मीन यू नो दैट यू आर द मास्टर, आई एम ए स्टूडेंट। ओके, सो ये जो पीछे जो मेटल की स्ट्रिप है वो डेफिनेटली निकल जाती है अगर इस तरह के आप स्क्रू नहीं लगवाते। बिल्कुल ठीक सर, वो निकल जाएगी, बिल्कुल सस्ता काम होता है, इसको चिपका दिया। हाँ, और ये डेफिनेटली रुकेगा नहीं इसके। हाँ जी, नहीं रुकेगा। ठीक है, ये जो काम किया ठीक है, ये लॉन्ग लास्टिंग है। और जैसा आप सोफे को हम इंट्रोड्यूस करते हैं, मैरीगोल्ड सोफा है, जिस तरीके से हम इसको इंट्रोड्यूस करते हैं, इसमें एक अच्छी बात मैं आपको और बता देता हूँ कि दिस डजंट हैव ब्रॉड आर्म्स, इसकी आर्म्स बड़ी नहीं है, ये कॉम्पैक्ट के अंदर है और ये थोड़ा सा स्लांट बना हुआ है। ओके, तो यानी कि जो बैठेगा वो बहुत कंफर्टेबली बैठेगा और ज्यादा टाइम के लिए बैठेगा। सिटिंग के अंदर विक्टोरिया डिजाइन अगेन कर दिया, ठीक है, कुशंस कॉम्प्लीमेंट्री कर दिए इसके अंदर, एंड इट्स अ ब्यूटीफुल डिजाइन। पूरा कॉम्बिनेशन सर 1,80,000 रुपये का, मतलब मैं मानता हूँ कि जो इंडिविजुअल लेगा और जो कॉम्बो में लेगा, प्राइस का फर्क तो जरूर आएगा, लेकिन मेरे को लगता है कि ये कॉम्बो में ज़्यादा अच्छा निकलेगा। हाँ, दिस विल गो वेरी वेल आई थिंक। एंड 2 चीज़ और भी होती हैं इसमें, एक तो कलर कॉम्बिनेशन इसके अच्छे, बाकी कस्टमाइजेशन आप कर सकते हैं, और दूसरा इन प्रोपोर्शनेट टू ईच अदर होना चाहिए यूनिट, फर्नीचर यूनिट। आपका जो मेन सोफा है, मेन सीटिंग अरेंजमेंट, आपका हाई विंग चेयर है, उनका रेशियो जो है प्रोपोर्शनेट होना चाहिए। यहाँ पे प्रोपोर्शनेट से ये थोड़ा सा बड़ा है, आप क्या इनको थोड़ा छोटा कर सकते हैं? एनीथिंग, ये तो हमने कॉम्प्लीमेंट करा हुआ है, अगर किसी को अपने तरीके से बनवाना है। सो अभी जो मेरा लास्ट ऑर्डर बना है उसके अंदर क्लाइंट ने ये 2 ना चेयर लेके इसी का एक बेंच ले लिया है।
अच्छा, इसी का बेंच ले लिया, तो ताकि आप वाला जो कंसर्न है कि सोफे से जरा ऊंचा भी ना हो और इसको कॉम्प्लीमेंट भी करे, तो उन्होंने बेंच में इंट्रोड्यूस किया। सबके पास बहुत बड़े हॉल्स नहीं होते हैं, बहुत बड़े हॉल्स के लिए तो ठीक है, हाँ जी, लेकिन जिनके पास थोड़ा स्पेस कम है वो चाहेंगे कि थोड़े से छोटे चेयर भी मिले। बिल्कुल ठीक सर, बिल्कुल ठीक। तो जैसे स्कल्पचर्स जिनको बोलते हैं या टब चेयर्स बोलते हैं, वैसे हैं हमारे पास, राइट? हाँ जी, पाँच छह तरीके की चेयर्स आती हैं अलग अलग डिजाइन की। कुछ बेडरूम चेयर होती हैं, कुछ लव चेयर्स होती हैं, कुछ स्टडी चेयर्स होती हैं। स्माइल्स, वो स्माइल ऑन स्पेस, वो सब इंट्रोड्यूस इंट्रोडक्ट है। क्रश चेयर होती है, right, तो वो सारी चीजें, सारे विकल्प अवेलेबल हैं। इट इज कि आपको जो बनवाना है, जो आपका मन है बनाने का, यू आर मोस्ट वेलकम। आप आइए, अपने तरीके से सामान बनवाइए, कलर चूज कीजिए, साइज चूज कीजिए, जहाँ पे हम बेस्ट मदद कर सकते हैं हम आपको मदद करेंगे। ऑलराइट, आपको पता ही है कि मैं अभी इसी वजह से मैं उड़ीसा भी जा रहा हूँ, लाइक आई हैव अ फ्लाइट, क्योंकि मुझे वहाँ पे क्लाइंट ने बुलाया हुआ है। इवन आई एम ट्रैवलिंग टू भुवनेश्वर, बट अपेरेंटली हम लोग मिल नहीं पाएंगे, हम लोग मिल नहीं पाएंगे। हाँ, लेकिन हम एक कोशिश करेंगे, हम जाएंगे वहाँ पे और आपके लिए कुछ फुटेज को शूट कर लेंगे। वहाँ पे आप क्या कर रहे हैं भुवनेश्वर? सब मैं पूरा इंटीरियर्स कर रहा हूँ, लूज फर्नीचर तो कर ही रहा हूँ जी, प्लस कुछ और भी चीज़ें हैं, लाइब्रेरी है, स्टडी डेस्क है, कुछ बार काउंटर का सेटअप बनाना है, तो वो पूरा सेटअप करने में जा रहा हूँ। तो टुमारो विद माई टीम आई एम गोइंग टू उड़ीसा एंड लेट्स होप कि सब अच्छा रहे। ओके, हाँ जी। All right, done. Before we sign out, there's one thing. It's a small reminder to all the people, those who are extremely vigilant. If they are not, they have to be vigilant. They have to be very careful because metal is not something that is very rarely available. Now metal has reached even to the Jail Road and the smallest market as well. Whenever you are shopping something and that has got metal in it, तो याद रखिए आपको उसकी ग्रेड का पता होना बहुत ज़रूरी है। सिर्फ चमक पे मत जाइए। Everything that shines is not gold. Right. हर चमकने वाली चीज़ सोना नहीं होती। हर चमकने वाली चीज़ सोना नहीं होती है। और एक चीज मैं थोड़ा सा और एजुकेट करना चाहूंगा कि जब भी आप कभी गोल्ड या रोज गोल्ड का सामान लें, आप अच्छी क्वालिटी का भी ले रहे हैं, 304 नंबर का भी ले रहे हैं, आप जब भी इसको क्लीन करने की कोशिश करें, कभी केमिकल से यूज ना करें, हमेशा वेट वाइप से क्लीन करेंगे, शाइन वापस आ जाएगी। ओके, जितना एक प्रोडक्ट के ऊपर आप केमिकल यूज करोगे, प्रोडक्ट उतना खराब हो जाएगा, उतना डल हो जाएगा, काला नहीं पड़ेगा, डल हो जाएगा। जैसे इवन कॉलिन इज नॉट गुड फॉर मैन, इवन कॉलिन इज नॉट गुड, बट आप इसको वेट वाइप, जिससे हम अपने चेहरे साफ करते हैं, उससे क्लीन कीजिए, नॉर्मल फेस क्लीनर जैसे, बिल्कुल नॉर्मल कपड़े से साफ, बहुत अच्छा रहेगा आपका। ठीक है, माय कंसर्न वाज, मैं फिर से एक बार और बता दूं कि मतलब बहुत सारे लोग हैं मेटल वर्क को एनालाइज करते हैं, इवन कंसोल्स में, डाइनिंग सेट्स में, डाइनिंग टेबल में, सेंटर टेबल्स में, उनकी विदाउट रियलाइजिंग कि उनकी क्या गेज है, क्या उनमें वेट है, क्या उनकी स्ट्रेंथ है, क्या उसकी पॉलिश है, उसके बेसिस पे वो उसको जज करते हैं और वीडियोज़ के ऊपर कमेंट करते हैं। इसलिए मैं फिर से बार रिमाइंड करा दूं कि एवरीथिंग दैट शाइंस इज नॉट गोल्ड, राइट? टू ऐड ऑन इन दिस थिंग कि फ्रेम जो है वो केवल लुक से सस्ता या महंगा नहीं होता, वो कितना उसका वजन है, वही तो मैं वेट गेज बता रहा था, जो उसका वेट है, जितना वेट ज्यादा होगा उतना प्रोडक्ट महंगा होगा। बिल्कुल, हल्का काम करेंगे तो फिर वो हल्का ही बनेगा, और अगर आप एक अच्छा काम करेंगे, जैसे अगर हम सपोज इसकी बात करते हैं, जो सामने हमारा ये हाफ मून डाइनिंग टेबल है जी जी, ये 47 केजी का है ये। ओ, ओ, ओके, 47 केजी का मतलब ये है कि जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे कॉस्टिंग के अंदर, तो वेट की वजह से इसका दाम बढ़ गया, पर जब आप डिजाइन एलिमेंट ऐड करते हैं तो वो तो उसका ऑटोमेटिकली कॉस्ट भी बढ़ता है। ठीक, ऑलराइट, टाइम टू साइन आउट, जी सर, टाइम टू से गुड बाय टू यू, दो दिस इज द सैडेस्ट पार्ट ऑफ अ वीडियो जी, स्पेशली आपको जब गुड बाय बोलते हैं तो खराब लगता है, बट वी हैव टू गो समप्लेस एल्स। ठीक है जी, ओके, इट वाज प्लेजर मीटिंग यू, एंड बिफोर वी साइन आउट एक बार फिर से बताते हैं, हम हैं एम स्टूडियो, लोकेशन जो है वो है गुरुग्राम, सेक्टर 29। आप एम स्टूडियो भी सर्च कर सकते हैं या फिर आप हल्दीराम देख लें पास में। ओके, so you're more than welcome, come here, have some sweets from Haldiram, Manish ji will definitely treat you, right? Because Manish ji famous hai treat karne ke liye logon ko, right? You have been treating, abhi we just had laddu, ha khana khane mera jo client aayega wo bina khana khaye ya bina muh meetha kare nahi jayega, meri koshish to yahi rehti hai, aur jaise ki maine aapne bataya ki hum log sector 29 gurgaon mein located hai, hamara already hamare 3 showroom hai, jisme se 2 showroom ke naam hamara एम स्टूडियो के नाम से और एक हमारा ब्रांड है फर्नीचर डैड के नाम से, जो कि जेएमडी रीजेंट आर्केड मॉल के अंदर हमारा इस समय एट प्रेजेंट है। हम लोग ने जो आज वीडियो बनाया है, आज हमने जानबूझ के एक टॉपिक को पकड़ा था, विच इज कि हम स्टील में क्या क्या काम कर सकते हैं और कैसे स्टील कॉम्प्लीमेंट करता है आपके रेगुलर फर्नीचर को। पर हम लोग हम लोग शीशम के अंदर किंग हैं, हम वुडन फर्नीचर जो बेचते हैं, वुडन बेड बेचते हैं, वो हमारा एक बहुत बड़ा बैकबोन है हमारे शोरूम का,
प्लस हम सोफाज, कंसोल, सेंटर टेबल, हाई विंग चेयर्स, अपोस्ट्री बेड, होम थिएटर बेड एंड मैनी मोर थिंग्स वी डू, जो कि हमारी USP है. आज जो हमारा एक एजुकेशन का वीडियो था, आई थिंक वो अच्छा रहा एंड होपफुली लोगों को समझ आएगा कि ग्रेडिंग्स क्या होती हैं और स्टेनलेस स्टील क्या होता है, जो हेल्प करेगा हमारे कस्टमर्स को फर्दर बाइंग में. ठीक है, थैंक यू वेरी मच, प्लेजर मीटिंग यू. अगली बार फिर मिलेंगे आपसे और कुछ वुडन फर्नीचर देखेंगे. राइट सर, थैंक यू वेरी मच, जय माता दी.